नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अध्यापक गौरव शर्मा आज आपको नवम कक्षा के चतुर्दश अध्याय भारतेन अस्ति मम जीवनम जीवनम, भारत से ही मेरा जीवन जीवन है, इस कविता को मैं आपके लिए अनुवादित करूँगा। कविता का पहला चरण है विंध्य सह्याद्री नीलाद्री मालान्वितम, विंध्याचल पर्वतमालाओं, सह्याद्री पर्वतमालाएं, नीलाद्री की पर्वतमालाएं, ये जितनी भी श्रेणियां हैं इन पर्वतमालाओं की, द माउंटेन्स द सीरीज ऑफ माउंटेन्स आर इन इंडिया, सो द इंडिया लुक्स एज इफ इट इज एडॉर्न्ड विद सो सीरीज ऑफ माउंटेन्स। शुभ्र हिमाद्री हास प्रभा पूरितम, शुभ्र हिमाद्री सफ़ेद हिमालय की श्रेणियाँ जो कि बर्फ से ढक चुकी हैं, उनकी कांति से, उनकी लो से, बाय द लाइट ऑफ सच स्नो इट लुक्स एज इफ इट्स स्माइलिंग, ऐसा लगता है कि उसकी कांति से, बर्फ की कांति से जो है मानो हिमालय हंस रहा है। अर्बुद अरावली श्रेणी संपूजितम, अर्बुद अर्थात आबू, माउंट आबू जो आज कल इस नाम से जाना जाता है, ये एक पर्वतमाला है, ये श्रेणियां हैं पर्वत की वहां पे काफी सारी, और अरावली पर्वतमालाओं पर कई प्रकार के मंदिर हैं, जैन मंदिर, हिंदुओं के मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं जिनके द्वारा ये हमारा भारत संपूजित है, हमारे भारत को पूजा जाता है इन मंदिरों के द्वारा जो कि इन पर्वतमालाओं पर स्थित हैं। तो इसलिए कहा अर्बुद अरावली श्रेणी भी संपूजितम, अर्बुद माउंट आबू और अरावली पर्वतों की श्रेणियों के द्वारा ये मेरा भारत पूजित है, इसकी पूजा की जाती है। भूतले भाति मे अनार्तम भारतम, भूतले भूमि तल पर भाति अच्छा लगता है, मे मम मेरा अनारतम भारतम सततम भारतम, मेरा भारत इस भूमि पर हमेशा शोभायमान है, अच्छा लगता है। द्वितीय चरण की ओर चलते हैं, जानवी चंद्र भागा जले ही पावितम, यहाँ पर नदियों का बखान किया गया है, जानवी अर्थात गंगा, चंद्रभागा अर्थात चिनाब जो अभी अखनूर से, जम्मू अखनूर से बदलकर पंजाब में ना आते हुए पाकिस्तान पंजाब में चली जाती है, चिनाब जिसे चंद्रभागा कहा जाता था पहले, इन नदियों के जल से जो है भारत पावित है, पवित्र है। भानुजा नर्मदा, भानुजा अर्थात यमुना और नर्मदा नदी की बीच भी लालितम, इनकी लहरों से पोषित भारत। तुंगभद्रा विपाशा, तुंगभद्रा आज भी उसे उसी नाम से जाना जाता है, और विपाशा अर्थात व्यास नदी जो पंजाब में है। भावितम भारतम, इनके द्वारा भारत प्रभावित है। भूतले भाति में अनारतम भारतम, इस भूमि तल पर मेरा भारत हमेशा शोभायमान है, हमेशा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तृतीय चरण की ओर चलेंगे, वेद भा भाषितम सत्कला लालितम, वेद भा, वेद अर्थात ज्ञान, ज्ञान की आभा से भाषित अर्थात चमकता हुआ भारत, सत्कला लालितम अच्छी कलाओं से लालित पोषित मेरा भारत, रम्य संगीत यहाँ की रमणीय संगीत है, मन का हरण करने वाला संगीत यहाँ पर पैदा होता है, साहित्य सौहित्य भूहु, साहित्य को चाहने वालों की ये भूमि भारत, भारती वल्ल की झनकृतेर झनकृतम, भारती अर्थात सरस्वती की वीणा, वल्ल की वीणा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, झनकृतेर झनकृतम उसकी झनकार से जो संपूर्ण भारत जो है, संपूर्ण भारतवासी उसके झनकृत हैं अर्थात
पूरे भारतवासी उस वीणा की ज्ञान में या आवाज़ में मानो तल्लीन हो चुके हैं। भूतले भाति में अनार्तम भारतम, इस भूमि तल पर मेरा भारत हमेशा शोभायमान लगता है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इस कविता पाठ को हम फिर अगले सत्र में पूरा करेंगे। धन्यवाद। आपका गुरु गौरव शर्मा। नमस्कार। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अध्यापक गौरव शर्मा। आज मैं नवम कक्षा के चतुर्दश अध्याय के दूसरे भाग को अनुवादित करूंगा। कृपया आप सुने। वेद भाभाषितम, वेद की आभा से भाषित अर्थात चमकता हुआ भारत, वेद के ज्ञान से। सत्कला लालितम, अच्छी कलाओं से लालित पोषित ये भारत। रम्य संगीत सोहित्य साहित्य सोहित्य भूहु, रमणीय संगीत और साहित्य को चाहने वालों की भूमि। भारती वल्ल की झनकृतेर झनकृतम, भारती सरस्वती की वीणा से जो भारत झनकृत है, तल्लीन है उसके उस ज्ञान में संगीत में। भूतले भाति में नार्तम भारतम, इस भूमि तल पर मेरा भारत शोभायमान लगता है, सुंदर लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्वबंधुत्वम उद्घोषयत जगत पावयत। विश्वबंधुत्व यूनिवर्सल ब्रदरहुड उद्घोषयत, खुद की घोषणा करता हुआ उस चीज की कि सारा संसार ही हमारे कुटुंब के समान है, इस संसार में सभी लोग हमारे भाई बहन के समान हैं। पावनम, पावन करता हुआ भारत, ये पावन भारत। विश्व वंदे ही चरित्रे ही, विश्व के द्वारा वंदित चरित्रों के द्वारा। द कैरेक्टर्स, ग्रेट कैरेक्टर्स ऑफ इंडिया हुज आर वर्शिप्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड, लाइक महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, उनके बखानों से, बाय द डिस्कोर्सेस ऑफ सच ग्रेट पीपल, जगत पावयत, इस सारे संसार को पवित्र करता हुआ भारतम, मेरा भारत। विश्वम एकम कुटुंबम समालोकयत, पूर्ववत, जैसे पहले कहा, संपूर्ण विश्व को एक ही कुटुंब की भांति देखता हुआ। सम आलोकयत, सम उपसर्ग आलोकयत देखता हुआ। भूतले भाति में अनार्तम भारतम, इस भूमि तल पर मेरा भारत अच्छा लगता है, शोभायमान लगता है। भाति, अच्छा लगता है, भाता है मन को। वेशभूषा अश्नोपासना पद्धति, वेशभूषा पहनावे में, अश्न खान पान में, उपासना पद्धति उपासना की पद्धति, द वेज ऑफ वर्शिपिंग द गॉड। क्रीडन आमोदन, खेल और उनका आनंद लेने में। संस्कार वृत्त्यादिषु, संस्कार इत्यादि प्रकृतियों में, यद्धि भिन्नम, यद्यपि भिन्न है, एक प्रदेश की संस्कार वृत्ति, दूसरे देश का खान पान, वेशभूषा एक दूसरे प्रदेश से नहीं मिलते, लेकिन तथापि फिर भी यद्धि भिन्नम सद अपि, होते हुए भी अस्ति अभिन्नम, ये अभिन्न है, ये एक जैसा है। सदा भूतले भाति तत्नामकम भारतम, तन्नामकम भारतम, इस भूमि तल पे मुझे उस नाम का भारत अच्छा लगता है। अर्थ कामान्वितम, अर्थ काम से युक्त, इच्छाओं से युक्त, वेरी एम्बिशियस इंडिया। धर्म मोक्षान्वितम, धर्म से युक्त, मोक्ष से युक्त। भक्ति भावान्वितम, फुल ऑफ डिवोशन, भावान्वितम, भावनाओं से युक्त।
ज्ञान कर्मान्वितम, ज्ञान और कर्म से युक्त। भूतले भाति मेनार्थम भारतम, ऐसा भूमि तल पर मेरा भारत मुझे अच्छा लगता है। नेक मार्गे ही प्रभुम च एकम आराध्यत, अनेक मार्गों से प्रभु की, एक ही प्रभु की आराधना करता हुआ भारत, अनेक वृत्तियों में होते हुए भी एक ही परमात्मा की पूजा करता हुआ मेरा भारत इस भूमि तल पर अच्छा लगता है। शोषितो न अत्र कश्चित भवेत केनचित अभि, यहाँ पर कवि कहते हैं इस भारत में कोई भी किसी के द्वारा शोषित ना हो। नो वन मे बी हरास्ड बाय एनी बॉडी, केनचित अभि किसी के द्वारा भी। व्याधिना पीड़ितो नो भवेत कश्चन, और व्याधि से